बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मनान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज इम्तिहानात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ही अहम फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला ये है कि पहले इम्तिहानात 24 जून से मुनाकिद करवाए जाने थे, लेकिन अब 10 जुलाई के बाद इम्तिहानात को मुनाकिद करवाया जाएगा। इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम फ़ैसला ये किया गया कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के तलबा के अंदर ये बेचैनी या ये इबहाम और ये शक पाया जा रहा है कि इख्तियारी मज़ामीन से क्या मुराद है। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, एक उसूल जहन में रखें, सारे इबहाम दूर हो जाएंगे, क्लैरिटी हो जाएगी। उसूल ये जहन में रखें कि आपके लाजमी मज़ामीन कौन से हैं। 9th-10th में लाजमी मज़ामीन इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत लाजमी और मुतालिया पाकिस्तान हैं। इनके अलावा जितने भी मज़ामीन हैं वो इख्तियारी हैं, जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसी तरह आर्ट्स के जो भी मज़ामीन होंगे वो इख्तियारी मज़ामीन करार दिए जाएंगे। तो लिहाजा आपने ये जहन में रखना है कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, जबकि इनके अलावा आपने जो भी मज़ामीन सेलेक्ट किए हैं उन सब का इम्तिहान होगा। और इनमें मैथ्स भी शामिल है, आर्ट्स का जनरल रियाजी, जनरल मैथमेटिक्स और साइंस का जो मैथ है उसका भी इम्तिहान लिया जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट ईयर की तरफ। फर्स्ट ईयर के अंदर चूँकि मज़ामीन के ज़्यादा ग्रुप बनाए जाते हैं, इसमें ICS है, इसमें FA है, FSC है और ICOM है। तो यहाँ भी आपने एक बात ये जहन में रखनी है कि फ़र्स्ट ईयर में उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश ये लाजमी मज़ामीन हैं, जबकि इनके अलावा तमाम मज़ामीन इख्तियारी हैं। कॉमर्स के वो 4 मज़ामीन बनेंगे, FA, FSC और ICS के वो गालिबन 3 मज़ामीन बनेंगे। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात लाजमी ये फ़र्स्ट ईयर में और इंग्लिश, उर्दू और मुतालिया पाकिस्तान सेकेंड ईयर में, इनका इम्तिहान नहीं होगा। इनके अलावा आपने जो भी मज़ामीन रखे हैं उनका इम्तिहान लिया जाएगा। तो आप इस बहस में ना पढ़ें कि इख्तियारी मज़ामीन कौन से हैं, किन का इम्तिहान होगा। सिर्फ ये जहन में रखें कि उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और पाक स्टडीज़ का इम्तिहान नहीं होगा। इनके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सब का इम्तिहान होगा। मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से किसी किस्म का इबहाम अब आपके जहन में नहीं रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।